सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज LGBTQ मामले पर अहम सुनवाई शुरू कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियां भी सामने आई। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता केवल इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। हालांकि इस बीच कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये मामला केवल धारा 377 की वैधता से जुड़ा हुआ है और इसका शादी या दूसरे नागरिक अधिकारों से लेने देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये लोगों का निजी अधिकार हो सकता है, पर इसको लेकर फिलहाल जो कानून है वो हमको देखना चाहिए। फिलहाल अभी इस मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई भी जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।